डीग विकास खंड के खेदौपुर भाईपुर में अवध नारायण मिश्र मनोगी सेठ की पत्नी और दयाशंकर मिश्र पहटू सेठ की माता गुलाब कली की 13वीं की पूर्व संध्या पर उनके पुत्र नारायण दास पिंटू, शैलेंद्र सिंटू, देवेंद्र, रोहित, मोहित मिश्र की ओर से कंबल वितरित किया गया। इस दौरान समाज सेवी संजय कुमार मिश्र और राहुल दुबे समेत शिव शंकर, महाशंकर, कमला, शंकर, कैलाश, संतोष, संजय, मंजय, जटाशंकर शुक्ल, कृपाशंकर पांडेय, प्रकाश दुबे, माता स्वरूप शुक्ल, अशोक शुक्ल समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। क्या कुछ कहना रहा मौजूद लोगों का, देखिए खेदौपुर भाईपुर से सुनील दुबे के साथ मिथिलेश द्विवेदी की लाइव रिपोर्ट। नमस्कार, इस समय हम विकास खंड डीग के खेदौपुर भाईपुर गाँव में है। यहाँ के ख्याति लब्ध स्वर्गीय मनोगी सेठ जी के आवास पे हैं। उनके पुत्र दयाशंकर मिश्र पहटू सेठ के यहाँ उनकी माता गुलाब कली के निधन पर 13वीं की पूर्व संध्या पर जरूरतमंदों में कंबल का वितरण किया गया है। हमारे साथ कुछ परिजन हैं, हम बात करते हैं। आपका शुभ नाम? रोहित मिश्र। रोहित, क्या कहेंगे? हमारी दादी माता जो स्वर्गवास हुआ है, तो जैसे दादा हो, दादी हो, हम पूरा परिवार हो, हमेशा जो है हम समाज के कार्य के बारे में हमेशा ध्यान रखा गया, हमेशा किया गया है। और उनकी 13वीं के जो अवसर पे मैं ये सोचा कि जो भी समाज में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये कंबल जो है दे के उनका मतलब जो है उनका सम्मान किया जाए। और इसी के अवसर पे हमने सोचा कि हम दावत करेंगे। मिश्रा परिवार ने कहा है कि कंबल एक सम्मान के नजरिए से दिया गया है, अच्छा और पुनीत कार्य है। कुछ और भी परिजन है। आपका शुभ नाम? शैलेंद्र मिश्रा। हमारी दादी माँ है गुलाब कली मिश्रा, जो कि हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री अवध नारायण मिश्र की पत्नी है। उनका स्वर्गवास दिनांक 21 तारीख को हुआ था। और हमारे गांव के जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं उन सब की ये मानना था कि जिस तरह हमने अपने पिताजी के कर्मकांड में हमने कंबल का वितरण किया था गरीब लोगों में, उसी तरीके से दादी के कार्यक्रम में भी कंबल का वितरण किया जाए। तो गांव देश के सभी लोगों का विचार विमर्श करके हमने ये गरीबों के लिए गांव के गणमान्य संजय मिश्रा जी हैं, बात करते हैं। संजय जी, क्या कहेंगे जी? इस परिवार की यह नई परंपरा नहीं है। इसके पहले अभी ये जो बच्चे बोले हैं इनके स्वर्गीय पिताजी दयाशंकर मिश्र पहटू सेठ, जो कि हमारे ज़िले में ख्याति थे, सामाजिक व्यक्ति थे, समाज के जिम्मेदार व्यक्ति थे, उनके भी कार्यक्रम में यह कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ था। और यह कोई इनका यह मतलब ये दिखावापन नहीं है कि हम गरीबों में कंबल वितरण कर रहे हैं। एक ज़रूरतमंद लोगों जिनको आवश्यकता है, इनकी श्रद्धा थी कि हम उनको श्रद्धापूर्वक सेवा करें, क्योंकि 13वीं भोज आए गए होता रहता है लेकिन एक दिन के लिए होता है। यह कार्यक्रम 2 साल 5 साल जिस तरह से यह कंबल एक ब्रांडेड कंबल वितरण किया गया है, जितने लोग आए थे सबको, इस गांव के सभी लोगों की, सभी श्रेष्ठ जनों की यह मंशा थी कि पहटू सेठ के माता जी के इस कार्यक्रम में कुछ जरूरतमंद लोगों का अगर सहयोग इस कंबल से हो जा रहा है तो यह सहयोग किया गया है। धन्यवाद। तो ये सहयोग का पुनीत कार्यक्रम रहा है। सुनील जी, जरा कैमरा घुमाइए। काफी संख्या में परिजन और ग्रामीण भी हमारे साथ हैं। स्वामी जी और राहुल दुबे जी, डीग ब्लॉक के अगर हम संभ्रांत लोगों में समाज सेवियों की बात करें तो श्री कालिका नगर इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक राहुल दुबे जी हमारे साथ हैं। दुबे जी, क्या कहेंगे? पुनीत कार्यक्रम है, इस परिवार में पहले भी ये पहल होती रही है, ऐसा कार्यक्रम होता रहा है, आप क्या? बहुत ही पुनीत कार्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसमें कंबल वितरण करके लोगों की अगर थोड़ी ठंड को कम करने का कार्य आप अपनी दादी माँ की स्मृति में कर रहे हैं तो बड़ा ही नेक कार्य है। और मैं इन लोगों के बारे में बताना चाहूँगा कि यह जो परिवार है पंडित अवध नारायण मिश्रा उर्फ मनोगी सेठ परिवार है, और उनके बड़े सपूत दयाशंकर मिश्रा और पहटू सेठ जी जो थे उनका भी वार्षिक श्राद्ध होना था लेकिन उसके बीच में ही उनकी माता जी का देहांत हो गया, तो 13वीं का कार्यक्रम चल रहा है। यह परिवार सदैव समाज हित, जनहित के
सोच को रखते हुए कार्य किया है। इनके पिताजी पहतू सेठ जी जो थे वो भी अपने पिता की स्मृति में हमारे विद्यालय क्षेत्र का प्रसिद्ध विद्यालय श्री कालिका इंटरमीडिएट कॉलेज है जिसमें 10 लाख रुपए देकर और उन्होंने एक भवन का निर्माण कराया हुआ है। तो यह कार्य, इस प्रकार के कार्य ये लोग महाराष्ट्र में रहते हुए भी यहाँ सदैव करते रहते हैं। यह इनकी जनहित, लोकहित, समाज हित की भावना को सिद्ध करता है। यह बहुत संपन्न और ठीक ठाक परिवार है, गरीब लोग हमेशा से सहयोग किए, जनहित का कार्य है, लोग करते रहे हैं। वाकई में ये परिवार जिस तरह से ख्याति लब्ध रहा है उसी तरह सामाजिक कार्यों और जनहित के कार्यों में लगातार बढ़ चढ़ के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। खेदावपुर भाईपुर से मिथिलेश द्विवेदी।